पास आ रहा लगता है, इसे पता मैंने सुबह का नाश्ता नहीं किया, मतलब लेकिन मैं सुबह तक भुखा हुआ। पापा का शुक्र अदा किया और अब निकलता हूँ अपनी। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम मैं नादर व्लॉग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ आप लोगों की दुआओं से। और आज का व्लॉग बहुत अमेजिंग और इंटरेस्टिंग होने वाला है। उसकी सबसे बड़ी बड़ी वजह यह है कि मैंने आज तीन जगह पे बुकिंग पे जाना, मैंने एक नहीं दो नहीं तीन जगहों पे जाना। और ये बात सिर्फ आपको पता है, ये बात मेरे लक्ष्य को ना पता चले, नहीं तो वो बिटर जाना होता है। तो वैसे ही हमारे गाँव में गन्दम की कटाई भी हो रही है, शुक्र है बारिशें रुक गई हैं, गन्दम की कटाई जारी है यार। और जो बंदा मेरे चैनल पे नया, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो और कमेंट करके मुझे बताया करो कौन कौन मेरा व्लॉग देखता है, और मैं इसी तरह आपके लिए अच्छे व्लॉग बनाता रहूँगा। और सबसे पहले तो मैंने जाना है उधर अपने लक्ष्य का ऑयल चेंज कराना है। अभी मैं गंदम की कटाई आप लोगों को दिखाता हूँ। यार गंदम की कटाई तो कब की हो जानी चाहिए, पर बारिश नहीं थी, रुक रही। तीन चार दिन बारिश होती थी, फिर दो दिन तो फिर दो तीन दिन बारिश, इस तरह फिर गंदम की कटाई सब की रुकी हुई थी। अब यार मौसम बिल्कुल साफ हो गया, अब दो तीन दिन में पूरी सब की गंदम की कटाई हो जाएगी। और ये भाई मेरे पास आ रहा लगता है, इसे पता मैंने सुबह का नाश्ता नहीं किया, मतलब लेकिन मैं सुबह तक भुखा हुआ। उन्हें इस लाइक मैंने फाक खवावे सीटे खवावे, चल कोई गल नहीं। तो ये बात मैं अभी सोच ही रहा था, उस भाई ने फाइनल कर ही दिया, कहता लिया भाई इंजॉय कर नाश्ता कर। मैंने नाश्ता तो कर लिया, मैं निकलता हूँ बुकिंग की तरफ, क्योंकि आज मेरे पास तीन बुकिंग है, शाम तक मैंने रक्षा ही चलाना। यार ये लड़का गुजरा वाला का आलम चौक है, ये भी आलम चौक है, इसे मैं प्यार से चिटू चिटू कहता हूँ। मैं आया हूँ रक्षे का ऑयल चेंज कराने, क्योंकि आपको पता है आज मैंने जाना है शहर के कामों की और दो तीन जगहों पे जाना है, इसलिए मैंने ऑयल चेंज कराना है। भाई जी ऑयल चेंज कर दो। यार ये मुझे कह रहा था अब तो गर्मी आ गई, तो मैंने कहा फिर क्या हुआ गर्मी है, कहता यार गर्मी में पर्दे उतार दो। मैंने कहा नहीं यार पर्दे नहीं उतारने, पर्दों का गर्मी में ही फायदा, कहता गर्मी में क्या फायदा। मैं कहा गर्मी में जब बारिश होती है रक्षे के अंदर बारिश नहीं जाती, कहता ये तो अच्छी बात है। चलो मैंने वो तेल डलवाई लिया, तकरीबन तेल डाल गया, मैंने कहा उस्ताद के पास जाता हूँ, उनका उस्ताद अंदर आराम कर रहा है। तो रक्षे का तेल 800 का डलता है, मैं जाता हूँ उनके उस्ताद के पास, इनको 800 देता हूँ, मैं निकलता हूँ अपनी मंजिल की तरफ, क्योंकि मैंने आज बुकिंग पर जाना, बुकिंग दो तीन है, तो चलते हैं अपनी मंजिल की तरफ, पैसे देते हैं। यार मेरी पहली बुकिंग गंदम की है, चार पाँच दिन हो गए मैं गंदम ही लेके जाता हूँ, कभी उधर तो कभी इधर। ये गंदम का गट्टू होता है यार 50-60 किलो का, तब मेरा अपना वजन 50-60 किलो, यानी कि आजकल जो मैं गट्टू उठा रहा हूँ अपनी शेर से ज़्यादा का गट्टू उठा रहा हूँ। चलो देखते हैं, ऊपर से गर्मी भी यार बहुत है आज। यार मेरा काम तो रक्षा चलाना, मुझे गंदम का कह या कोई जिधर का मर्जी, मैं तो जाता हूँ, फिर मैं अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ, मुझे रोज़ की बुकिंग मिल जाती है। चलते हैं अपनी मंजिल की तरफ। अब यार गर्मी बहुत है, मैंने अभी गंदम रख ली है, अब चलता हूँ शहर की तरफ। मैं रास्ते में उधर से किला दीदार सिंह से आए और इधर किला दीदार सिंह से गुला शुरू होता है, ये रास्ता इतना खराब है। तो पंजाबी जी कहते हैं उनसे गुजरे बकरी थले होंगे, जो बंदा सलोटते आंदा तो गुरदे उतार में चढ़ जाते हैं। चलो हम जा रहे हैं गुजरा वाला, हम देखते हैं हमारे गुरदे उतार चढ़ते हैं कि नीचे रहते हैं। चलो चलते हैं अपनी मंजिल की तरफ। पता नहीं यार इन लोगों को क्या मसला है, ये 6 महीने घर रहते हैं, फिर आते हैं 6 दिन काम करते हैं, फिर 6 महीने के लिए घर चले जाते हैं। मैंने हिसाब लगाया ये सड़क ऐसी है जैसे पहाड़ी इलाकों की सड़कें होती है, वहाँ के ड्राइवर जो बस ड्राइवर ट्रक ड्राइवर होते हैं उनके हाथ में सिगरेट होता है, दूसरे हाथ में स्टेयरिंग होता है, मुझे उनकी वैसे भी ऊपर की तरफ होती है, सर पे उन्होंने टोपी रखी होती है, वो उठक बैठक करते हैं। दरअसल वो खुद उठक बैठक नहीं करते, वो सड़क ही ऐसी होती है, कहीं जगह से ऊंची होती है कहीं जगह से ऊपर होती है, इसलिए वो उठक बैठक करते हैं। ये भी सड़क बिल्कुल वैसी है, जरा भी मुख्तलिफ नहीं। अभी मेरी तरफ देखे, मैं भी उठक बैठक ही कर रहा हूँ। यार मेरा काम था एक्सप्लोर करना, वो मैंने कर दिया, मैं अपनी मंजिल की तरफ रवा दवाऊँ, चलता हूँ अपनी मंजिल की तरफ। गुजरांवाला को सबसे पहले जो फ्लाईओवर मिला था वो ख्याली बाईपास का, कहने को तो ये बस फ्लाईओवर है, क्योंकि ये शुरू होने से पहले तो खत्म हो, जब से ये फ्लाईओवर बना तब से तो दाबी बन गया, जाब इसलिए बन गया, ये ऊपर से तो ठीक है, ये नीचे से सारा खराब है। एक दफा मैं गलती करके नीचे से चला गया और नीचे से मैंने आगे देखा, मेरे आगे वाला रक्षा उसके तीनों टायर लदा लदा हुए थे। उसके बाद मैंने कभी नहीं गलती की, जब मैं ख्याली बाईपास आया तो मैं ऊपर से ही आया हूँ। अब यार पुल के नज़ारे लें, बस मैं भी पहुंचने वाला जहाँ मैंने गंदम उतारनी, मैं बस 20 मिनट रह गए, 20 मिनट बाद मैं पहुंच जाऊंगा। फिर मैंने गंदम उतार के फिर मैंने दूसरी बुकिंग भी, जनाब मेरे साथ रहे आज की तीन बुकिंग है। जब पुल से नीचे उतरो तो फिर हिसाब शुरू हो जाता है, ये तो हिसाब खत्म ही नहीं होता। यार मैं कामों की आ गया हूँ, गंदम उतारता हूँ और इनसे किराया लेता हूँ, देखते हैं ये किराया कितना देते हैं, फिर चलते हैं दूसरी बुकिंग पे। यार उन्होंने मुझे किराया 2000 दिया, 2000 लेकर मैं तो खुश हो गया, साथ ही मुझे भूख ही, उन्होंने मुझे बहुत कहा कि खाना खा के, जो मैंने कहा नहीं, वैसे मैं किसी के घर खाना नहीं खाता, मुझे शर्म आती है, जब इंसान को भूख लगती है इंसान बेबस हो जाता है। वैसे मुझे भूख बहुत लगी थी, आपके सामने सुबह मैंने नाश्ता जो किया था, हम सारा दिन बाहर रहते हैं रिजक कमाने के लिए और फिर रिजक भी बैठ के ना खाएं तो क्या फ़ायदा रिजक कमाने का। खैर छोड़ें इन सब बातों को, मैंने खाना खाया अच्छी तरह क्योंकि मुझे भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई थी, फिर मैंने अल्लाह पाक का शुक्र अदा किया और अब निकलता हूँ अपनी दूसरी बुकिंग की तरफ, आप मेरे साथ रहें।
यार मैं इधर आ गया हूँ दूसरी बुकिंग पे, अब मैं इधर से सवारियाँ लेके गांव चलता हूँ, उधर तीसरी बुकिंग है, फिर मैं आपको बताता हूँ मैंने तीसरी बुकिंग किधर लेके जानी। चलते हैं अपने गांव की तरफ। तो आपको एक और बात बतानी थी, मैं उधर गया था ना बुकिंग पे, उधर मेरे एक रिलेटिव हैं, उन्होंने मुझे ये गिफ्ट किया, ये मैं आगे से अपने रिक्शे पे लगा के वीडियो बनाया करूँगा। ये देखे यार, मैं अपने गांव वापस आ गया हूँ। वो जो तीसरी बुकिंग थी, वो जो दूसरी बुकिंग थी, उनका दोनों का टाइम सेम था। तो उन्होंने मुझे कहा दानिश भाई अभी जाना, मैंने कहा यार अपना वो दोस्त ही था मेरा, मैंने कहा आप जाओ तो मैं लेट हो जाऊंगा। चलो ठीक है यार, अब मैं घर वापस आ गया हूँ अपने, तो नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी इंशाल्लाह यार। और जो बंदा मेरा व्लॉग देखता है वो नीचे कमेंट करके बताया करो, और मुझे इजाज़त दे। अल्लाह पाक आप सब लोगों का हामी नासर हो। ओके, अल्लाह हाफिज़।